जब से तेरा नाम लिया है जुड़ गया तार से तार, जब से तेरा नाम लिया है जुड़ गया तार से तार। हर बदल गया दुनिया का नजरिया, क्या बात है, बदल गया दुनिया का नजरिया। ये देखो इधर भी बदल गया। बोलिए खाटू नरेश की। बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार, और जब सब कुछ बदल गया तो क्या हुआ? श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे। और बाबा के दरबार जाने से दिन फिरते हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो एक बार पूरे हाथ उठा गए और जोरदार तालियां बजा दो। श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे। जब से तेरा नाम लिया है जुड़ गया तार से तार, जब से तेरा नाम लिया है जुड़ गया तार से तार। बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया वादा किया है एसी तुरंत चेंज हो जाएगा। तो भैया कुछ भी नहीं था पास में मेरे, कुछ भी नहीं था पास में मेरे, हार के आया बाबा पास में तेरे, हार के आया बाबा पास में तेरे। बहुत उपकार हरे का साथी बन कर के दिया, बहुत उपकार। हर बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार, बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार। ये बोले हाथ आए हो श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन फिर गए मेरे, बदल गया संसार, बदल गया।
जैसे ही मैंने विचार किया आपसे मिलने का, और क्या हुआ, रोशन हो गई राहें मेरी, मिल गया तेरा प्यार, रोशन हो गई राहें मेरी, मिल गया तेरा प्यार, बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार, बदल गया अब मेरी तो आदत आप जानते हो कि मैं मुंह पे बोलता है,
तो मैं बोला कि कलकत्ते के कितने सिंगर जयपुर आते हैं, जयपुर वाले कलकत्ते क्यों नहीं जाते हैं। ये सारी गलती आप लोगों की है, आपकी नहीं, उन लोगों का भी नहीं। क्यों? मैंने कहा आप लोग सपोर्ट नहीं करते। अब जिस तरह से आप लोग गाते हो ना, कहीं कई लोग नहीं गाते। मतलब हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ, जितने सुरीले आप लोग हो ना, बंगाल में से सुरीला भी है। अब मारवाड़ी लोग इधर जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप लोगों की गलती है, इसलिए नहीं, कलकत्ते वाले कितना सपोर्ट करते हैं तो कितने लोग कलकत्ते गए एक काम है, कलकत्ते से ज़्यादा जयपुर में, लेकिन उनको बाहर क्यों नहीं जाते, खाली मैं ही क्यों जाता हूँ, मैं तो खाटू का हूँ इसलिए जाता हूँ। वो खाटू नरेश की जितने के दिन फिरे हैं इधर पूरे हाल भागे। हम लोग यहाँ एक मंडल कहाँ गए, राजकुमार जी कितने, क्या बात है। उस दिन बस इतना ही फर्क था कि मेरे पहले संजय भैया गा रहे थे, मैं इनके बाद गा, आज ये बाद में गाएंगे, है ना। बाकी उठाओ दोनों हाथ सारे के सारे मिलकर, ओ बेटा क्या बात है भाई, पूरे हाथ खड़े खाओ सब मिलके, जब बाबा की कृपा से दिन फिरे हैं तो कहना चाहिए, हैं, उठाओ दोनों हाथ जोरदार तरीके से। श्याम दिन फिराए भूल साची दरबार की। क्या बात, ठीक है, दो लाइन गाएंगे, एक नया भजन गा देते हैं ना, उसके बाद बोलो सच्चे दरबार की। और संजय भैया जब भी गाना हो मेरे को बोल देना, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है ना, जोर से बोलो। ये धीरे बोल दे, ये सारे आपके साथ आए, इसीलिए ना मैं पीछे बिठा रहा था इनको। हैं? भूख का तो काम ही नहीं है, भजन भजनों की भूख लगनी चाहिए आज तो। क्यों? करो सच्चे दरबार की, कुछ मत करो, एक काम करो खाली, क्या? हे अरे संभड़ाई दे श्याम धड़ी ने, पकड़ाई दे श्याम धड़ी ने, क्या संभड़ाई दे श्याम धड़ी ने, वो तारा जीवन की याद पकड़ाई दे श्याम धड़ी ने, तारा जीवन की याद पकड़ाई दे श्याम धड़ी ने। थोड़ा बहुत मन हो गया पकड़ाने का, साथ में गाओ मेरे साथ, उठा के दोनों हाथ। वो पकड़ाई दे श्याम धड़ी ने, संभड़ाई दे श्याम धड़ी ने, पकड़ाई दे श्याम धड़ी, yeah।
Yeah.
इससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है, इसका बाबा से जोड़ना है, तो उठाओ जोड़ा हाथ बारो मेरे साथ और रिश्तो बाबा सुन लो जो Thank you.
से भजन लिखते हैं निर्मल जी झुंझुन वाला। मेरे को किसी ने कहा था बोले कि तो दिखता नहीं है, तो एक दिन मेरे को मिल गए और भाई पप्पू भैया क्या हाल है, मन को यार लोग झूठ बोलते हैं। मैं बोले मैं पहले आओ भाई जब खड़े हो जाओ एक बार जोरदार ताली देते हैं सुंदर भजन लिखने के लिए। और तेरे दिल के अंदर है सांवरिया का मंदिर, तेरे दिल के अंदर है सांवरिया का मंदिर। अरे बोल मोती बोल दर्शन पाया के नहीं, अरे बोल मोती बोल दर्शन पाया के नहीं। अरे तेरे दिल के अंदर है सांवरिया का मंदिर, तेरे दिल के अंदर उनको कलकत्ते से बहुत प्रेम है। और जितने भक्त आज भी कलकत्ते के लोग आलू सिंह जी को जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते, क्योंकि 89 में तो महाराज चले गए थे, और 89 में तब चले गए थे जब मैं कलकत्ते में था 2 अक्टूबर 1989। कितने साल हो गए, 29 साल हो गए है ना, तो वापस जिसके साल 41 साल होंगे उन्होंने देखा ही नहीं होगा, आपने देखा है ना, नहीं देखा तो आपने नहीं देखा तो बाकी तो किसका हाथ करेंगे। ये देखो क्या बात, राजकुमार जी बहुत बढ़िया है। किसके आपके घर में कीर्तन किया था, अब भी होता है क्या कीर्तन, तो गलती है तो ये तो आपकी, अब भी होना चाहिए। आलू सिंह महाराज जैसे आपके घर शुरू कर गए कीर्तन, खुद ही किया करो, संजय भैया को मत बुलाओ मेरे को भी मत बुलाओ, लेकिन आप खुद किया करो है, अब करोगे नहीं करो, अरे आप ही करो खाली, किसी को दरकार नहीं बुला लेंगे, क्योंकि महाराज ने आपके घर में किया तो उनको याद किया करो। ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके घर में आलू सिंह जी ने कीर्तन किया था, आप बहुत भाग्यशाली हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आलू सिंह जी के बाद में सब भी भक्त हुआ भी नहीं हमारा, हम तो उन लोगों ने जो कहा ना वो इस पर रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना, जरूर करना जब कभी मेले के पहले पहले कर लेना आपका, बोलो सच्चे दरबार की। आलू सिंह जी महाराज अपने भक्तों के सर पे ऐसे मोरछड़ी की मारते थे ऐसे, अब कोई ज्यादा समझता था ठीक है, और अगर कोई नहीं समझता था तो मोती जैसों की उल्टी करके भी मारते थे है? अब मैं अगर किसी के मार दूंगा तो बहुत जबरदस्त है महाराज है कामराज जी, तो यार कर देखो तो जिसके लग गई ना सीधी लग गई तो उसका कल्याण हो गया, उल्टी लग गई तो गारंटी है, उल्टी लग गई तो गारंटी है। तो ये देखो ये इधर से तो काम करती है, इधर से गारंटी देती है, ये गारंटी कार्ड है मोरछड़ी का, लेकिन ये चलाने वाले में ताकत होती है, जब भी काम करती है जबरदस्ती खाने से कुछ नहीं होता है, बाजार में मिलती है ये। इसमें कोई ताकत नहीं है, ताकत होती है इसको चलाने वाले में, अगर वो भजन करता है तब ये काम करती है, नहीं तो देखो बोलते पूरा मोरछड़ी का सिंगार है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बोलो सांचे दरबार की। अरे श्याम भक्त आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है,
के सर पे मोर छड़ी की मारते थे, हम सोचते थे अच्छे अच्छे लोग हैं वो क्यों मारते हैं, हमको नहीं पता था कि इसमें बहुत ताकत है, अगर ये बवाई पतंग लग जाता हम भी दो चार खा लेते, जब नहीं खाई तो ये हलक खाते तो क्या होता है, उठाओ पूरे पूरे हाथ, क्योंकि आलू सिंह जी महाराज गए बाबा के चरणों में श्याम बहादुर जी भी, पर मोर छड़ी यही छोड़ के साथ नहीं लेके गए हैं, जहां बाबा का गुणगान होता है वहां से घूमती रहती है, अब जो जितने ऊपर आते रहेगा उसको ज्यादा स्पर्श करे किसी की बात पर उठा हुआ जोरदार तालियों के साथ, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत बन जाए तेरी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मस्त मंडल का।